हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे उपमा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। उपमा बनाने के लिए हम डाल रहे हैं पैन में 1 कटोरी सूजी। इसको हम लो फ्लेम पर हल्के रोस्ट कर लेंगे। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का रोस्ट कर लेना है। देखिए सूजी में हल्का सा कलर आ गया है, ये रोस्ट हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। हम फिर से पैन गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। जब तेल हल्का सा गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मूंगफली और इसे हल्के आंच पर फ्राई कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसे लाइट ही रहने देंगे। देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काजू और इसे भी फ्राई कर लेंगे। काजू फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी हो जाता है। देखिए ये सब अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तेल में हम 1 चम्मच चना दाल डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी काला राई और इसे चटकने देंगे। इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 7 फ्रेश करी पत्ता और इसे हल्का सा भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन जाने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई अदरक और इसे भी भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गाजर और मटर, इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। हम थोड़ी सी और पानी डालेंगे क्योंकि हमें सब्जी को पकाना है। ध्यान रहे 1 कटोरी सूजी में हम 2 कटोरी ही पानी डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे ढक कर हल्के आंच पर हम सब्जी को पकाएंगे जब तक सब्जी अच्छे से पक ना जाए। इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सब्जी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम रोस्ट किया हुआ सूजी को डालेंगे। ध्यान रहे हम एक बार सूजी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सूजी डालकर हम चलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी में लम्स पड़ जाएगी। देखिए फ्रेंड, सूजी डालते ही सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे इसे। सूजी अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप। इसी समय हम फ्राई किया हुआ बादाम और काजू को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। इससे उपमा का बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। आप चाहे तो डालें या स्किप कर सकते हैं। घी को अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हम इसी समय बंद कर देंगे और इसे ढक कर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
एक मिनट बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा खिला खिला उपमा बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसे हम एक कटोरी में अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे पलट देंगे। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो फ्रेंड, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप देख सकें।